हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक रविदा। तो ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो कि यूकेलेले को ट्यून करना नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है तो आप इजीली इसे ट्यून कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने एंड्रॉयड सेट के प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे पॉकेट यूकेलेले ट्यूनर। ये आ गया है, सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें अपडेट मांग रहा है क्योंकि मेरे में ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैंने इसे अपडेट कर दिया। तो अब ये खुल कर आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यूकेलेले ट्यूनर है। आप इससे यूकेलेले को जो है कि ट्यून कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें 4 स्ट्रिंग दी हुई है, ए, ई, सी एंड जी। सो फ्रेंड, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसको बोलते हैं ए स्ट्रिंग, और ये है ई स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग को ई स्ट्रिंग, अगली स्ट्रिंग है सी और फिर है जी। पहले हम लोग ए स्ट्रिंग को सेट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें ग्रीन बीच में जो ग्रीन सा पार्ट है हमारा, जो स्ट्रिंग का बजाने पे ये जो एरो है उसी के बीच में आना चाहिए। तो ये लगभग ट्यून है। फिर अगली स्ट्रिंग पे जाएंगे जो है कि ई, फिर इस पे टच करेंगे ई स्ट्रिंग पे। ये हमारी ट्यून है क्योंकि मैंने पहले से ट्यून किया था सी, और फिर जी। तो इस तरीके से मतलब जब भी हम लोग स्ट्रिंग को सेट करते हैं तो हमारी जो एरो है वो बीच में आनी चाहिए ग्रीन पार्ट में। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो है कि स्ट्रिंग जो है लूज हो जाती है, यानी कि फ्लैट हो जाएगी, और जब इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये साफ होती जाएगी। तो हमें ना बहुत ज़्यादा साफ करना है ना फ्लैट करना है, बीच में लाना है एरो को। तो इस तरह से हम लोग ये जो है कि सेटिंग करते हैं, इसकी ट्यून करते हैं यूकेलेले को। इसके अलावा एक और ऐप है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जो हमारा ऐप है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे यूकेओके। ये आ गया, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए फिर ओपन कर देते हैं। तो इसमें नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग को यूकेलेले को जो स्ट्रिंग को जो सेट करना है उसके लिए सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। देखिए ये आ गया, तो इसमें ऑप्शन ऊपर दे रहा है मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड साउंड। तो हम लोग जाएंगे मैनुअल में, जो है कि हम लोग को टच करना पड़ेगा हर एक स्ट्रिंग के लिए ए, ई, सी, जी पे। लेकिन ऑटोमेटिक में जब हम लोग स्ट्रिंग प्ले करेंगे तो वो अपने आप से कैच कर लेगा कि कौन सा स्ट्रिंग है। तो इसमें बीच में एक स्केल बना हुआ है, तो इस स्केल के बीच में जो एरो बनी हुई है हमें अपनी स्ट्रिंग को ऐसे टाइट या ढीला करना है, लूज करना है, या फिर उसको जैसा भी है तो वो बीच में आना चाहिए एकदम करेक्ट। जो इसमें जो येलो मार्क दिख रहा है जो ऊपर नीचे हो रहा है,
नीचे होने पे ये स्ट्रिंग ढीली है यानी कि लो फ्रिक्वेंसी है, और ऊपर होने पे यानी कि शार्प है यानी कि फ्रिक्वेंसी हाई है। तो हमें उसे बीच में लाना है। तो अगर नीचे ही स्ट्रिंग है तो आप मतलब सॉरी, अगर नीचे ये जो है कि मार्क नीचे है तो आपको बीच में लाने के लिए स्ट्रिंग को टाइट करनी होगी, और अगर ये ऊपर है तो आपको उसे ढीला करना होगा। तो क्लॉक वाइज करेंगे तो टाइट होगी और एंटी क्लॉक वाइज करेंगे तो स्ट्रिंग लूज होगी। तो इस तरह से हमारी स्ट्रिंग सेट होगी। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि साउंड। तो साउंड में जाके अगर हम जिस स्ट्रिंग पे टच मतलब जिस स्ट्रिंग के उस पे टच करेंगे, जैसे ए पे मैंने टच किया, तो वो उसका साउंड देगा कि कैसा साउंड होना चाहिए रियल में, और वो कहता रहेगा। इसके अलावा इसमें नीचे और भी ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे सॉन्ग्स दिए हुए हैं कई सारे, मतलब हिंदी बॉलीवुड तो नहीं है बट कुछ हैं उनसे आप, जैसे कि ये बाबा ब्लैक सिप है, मैंने इसमें से सेलेक्ट किया। इसमें पॉप है, रॉक है, बहुत सारे हैं। तो इसको अगर हम लोग प्ले करें तो इसको टच करने पे देखिए, प्ले में जाने पे ये कैसे प्ले होगा वो दिखाता है, और कॉर्ड है कैसे, कॉर्ड कौन कौन से यूज हुए हैं जैसे कि जी सी एफ, एंड स्ट्रम में स्ट्रम बताएगा। इसमें अगर हम लोग प्ले करें तो ये प्ले होके बताएगा कि कैसे इसकी स्ट्रमिंग चलेगी। तो बैक जाने के लिए ये बैक जाते हैं। फिर इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन है, इससे हम लोग ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि कॉर्ड हमें देखना है या फिर स्ट्रमिंग पैटर्न्स देखनी है। तो इसमें कुछ कुछ वीडियोज़ बनी हुई हैं तो आप लोग इससे ये भी सीख सकते हैं। तो आप लोग ये ऐप ज़रूर यूज करिए, ये बहुत ही सही है, मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो इस वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।